नमस्कार साथियों, मैं पवन पालीवाल श्री समृद्धि क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके कमेंट्स और लाइक्स और व्यूज को देख करके और आपके सब्सक्राइब को देख करके श्री समृद्धि क्लासेज आपका आभार प्रकट करता है। इसी तरह श्री समृद्धि क्लासेज के साथ जुड़े रहें और अपने तैयारी को मजबूत करें। और इस वीडियो के संदर्भ में आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कमेंट्स हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें और उसका रिप्लाई श्री समृद्धि क्लासेज की टेक्निकल टीम आप तक जरूर पहुंचाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा कि उनकी प्रस्तावना, संकल्पना या उसकी परिकल्पना किस तरह से सूत्रों का प्रतिपादन हुआ इस तरह से, और पूरा यानी शोधकर्ताओं ने किस तरह से अपडेट दी है, अपडेशन आपके पांच लॉज में, फाइव लॉज में। और आज दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि प्रथम सूत्र और द्वितीय सूत्र के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे तीसरे और चतुर्थ सूत्र के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं पिछले वीडियो में कि पहला सूत्र में हमने देखा था कि पुस्तक उपयोगार्थ है, जिसमें पुस्तकालय की स्थिति, पुस्तकालय का समय, पुस्तकालय के कर्मचारी और पुस्तकालय फर्नीचर, तो इन सभी पे हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य था पुस्तकालय। साथियों, पुस्तकालय के पांच सूत्रों को हम यहीं पे हम खत्म कर सकते थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ और पांचवा बता करके, लेकिन हमें अंदर तक इस टॉपिक से हर लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम में कम से कम दो या एक प्रश्न तो 100% रहता ही है, उसके बगैर पेपर ही नहीं बन सकता लाइब्रेरी साइंस का इस टॉपिक के बगैर। तो हमने यहाँ पे देखा, जहां पे भी पुस्तकालय को इम्पोर्टेंस देगी, जिस भी कथन में पुस्तकालय से संबंधित रहेगा या पुस्तकालय की महत्ता को प्रदर्शित करेगा, तो हम वहां पे प्रथम सूत्र को अप्लाइड करें। और दूसरा सूत्र था हमारा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो हमने वहां पे देखा था कि प्रत्येक और उसकी शब्द पर, और उसके बाद में इसमें सभी के दायित्व, सरकार के दायित्व, प्राधिकरण के दायित्व, कर्मचारियों के दायित्व और पाठकों के दायित्व, इन पर भी चर्चा की थी। तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस था पुस्तक पर, कि पाठक पर, यहाँ पे हमारा मेन फोकस था पाठक पर। तो पूरा पाठक, जहां पे भी हमें पाठक से संबंधित रहे कि उस पाठक को उसकी पुस्तक कैसे मिले, तो उनके लिए हमने देखा कि सरकार के दायित्व तो है कि वो उसमें वित्त का प्रावधान करे, पुस्तकालय के अधिनियम बनाए और समन्वय या सहयोग की भावना को रखे। और दूसरा था प्राधिकरण के दायित्व, जिसमें वो उसके पुस्तक का चयन और कर्मचारी का चयन, और कर्मचारियों के दायित्व और पाठकों के दायित्व। इस तरह से हमने पिछले वीडियो में इस पे चर्चा की थी, प्रथम सूत्र और द्वितीय सूत्र पे। तो आज हम शुरू करेंगे तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है हमारा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। बात करते हैं हम तीसरे सूत्र की। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसका पाठक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। इस सूत्र को समझने के लिए हमें पहले दो शब्द, प्रत्येक पुस्तक और उसका पाठक, पे हमें समझना होगा
कि प्रत्येक पुस्तक से तात्पर्य पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकें, पुस्तकालय में पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त पुस्तकें पुस्तकालय में जो उपलब्ध है हमारे सामने पुस्तकें, वो पुस्तकों को उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक जरूर मिले, यह इसका रहेगा तात्पर्य। तो हम इसमें बात करते हैं कि पुस्तकालय में उपलब्ध जो पुस्तकें हैं उसमें उस पाठक पुस्तकों को पाठक कैसे मिलेगा। तो जिस प्रकार से हमने द्वितीय सूत्र में देखा था कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तो जिस तरह से पाठक को तलाश थी पुस्तक की, दूसरे सूत्र में सूत्र था हमारा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, जिस तरह से पाठक को तलाश थी पुस्तक की, तो यहां पे तलाश है पुस्तक को पाठक की। तो हम यह कह सकते हैं कि तृतीय जो सूत्र है, तृतीय सूत्र द्वितीय सूत्र का पूरक है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय सूत्र का पूरक कौन सा सूत्र है, या तृतीय सूत्र किसका पूरक है। तो इस तरह से कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले और प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह तृतीय जो सूत्र है वह द्वितीय सूत्र का पूरक है। इसके बाद हम आगे देखें कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय का एक स्टेटमेंट आता है, उनका कहना है कि प्रत्येक पुस्तक को भी अपने पाठक की आवश्यकता होती है, उपयुक्त आवश्यकता होती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि उसको उपयुक्त पाठक कैसे मिले। तो उसके लिए हम आगे उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें हम देखेंगे। उसी तरह कि पुस्तक, जिस तरह से हमने अभी पहला दूसरा सूत्र देखा था, तो उसमें पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, और दूसरे सूत्र था कि प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। तो इन यहाँ तक कि पाठक स्वयं पुस्तक का चल करके जा रहा है और उसको प्राप्त कर रहा है, लेकिन यह तृतीय सूत्र ना तो पुस्तक अपने पाठक को स्वयं बुला सकती है और ना ही पुस्तक पाठक के पास में चल करके जा सकती है। तो इस सूत्र में हमें यह देखना होगा कि पाठक उस पुस्तक तक कैसे आए, कैसे आएगा, प्रचार के माध्यम से या हम दोनों को कह सकते हैं विस्तार सेवा के माध्यम से। हमें पाठक को पुस्तक तक लाना होगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें डॉक्टर रंगनाथन महोदय के कौन कौन से उपाय ये बताए हैं हमें कि प्रत्येक पाठक को, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो उसके लिए उन्होंने पहला बिंदु दिया है मुक्त द्वार प्रणाली, मुक्त द्वार प्रणाली OAS, ओपन एक्सेस सिस्टम।
यह क्या है? यह प्रणाली प्रत्येक पाठक को पुस्तकालय में विचरण की स्वतंत्रता प्रदान करती है, अर्थात पुस्तकालय क्लोज सिस्टम के नहीं है, यानी कि पुस्तकालय में प्रत्येक पाठक आराम से अपनी पसंद की पुस्तक को सेलेक्ट कर सकता है और प्रत्येक पुस्तक जो है वह पाठक को आसानी से उपलब्ध होती है। तो रंगनाथन महोदय यहाँ कहते हैं इसकी तुलना एक दुकान से करता है। पहले भी हमने प्रथम सूत्र में भी एक तुलना पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने किन दो सूत्रों में की तुलना दुकान से की गई है। तो हमने प्रथम सूत्र में देखा था पुस्तकालय की स्थिति, तो स्थिति के संदर्भ में एक बार कहा था कि पुस्तक एक दुकान से की गई थी, कि जिस तरह से ग्राहक को जिस चीज की वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसी तरह से जहां पे सर्वाधिक भीड़ होती है वहां पे ही खरीदारी करते हैं, तो उसी तरह से पुस्तकालय भी वहां पे होना चाहिए जहां पे पाठक आसानी से पहुंच सकता है। और यहाँ पे मुक्त द्वार प्रणाली से तुलना इसलिए दुकान से की गई है, जिस तरह से हम मॉल में आसानी से जाकर के पुस्तकों किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, उसी तरह से मुक्त द्वार प्रणाली में भी पुस्तकालय में जाकर के हमें जो हमारी पसंद है वो पुस्तक मिल जाती है, और जिनकी हमें आवश्यक अगर लगता है हमें वहाँ पे कोई भी और पुस्तक हमें पसंद आती है तो हम उसे लेकर के आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे मुक्त द्वार प्रणाली की। तो कुछ विद्वान इस मुक्त द्वार प्रणाली की आलोचना भी करते हैं कि पुस्तकें ओपन सिस्टम में, ओपन एक्सेस सिस्टम में पुस्तकों की चोरी सर्वाधिक होती है। आलोचना एक आती है पुस्तकें चोरी, इस आलोचना के संदर्भ में डॉक्टर रंगनाथन महोदय कथन देते हैं कि जिस तरह से क्लोज सिस्टम की तुलना में, मुक्त द्वार प्रणाली की तुलना में बंद द्वार प्रणाली मुक्त द्वार प्रणाली की तुलना में बंद द्वार प्रणाली में पुस्तकें अधिक चोरी होती है। जैसे कि किसी पाठक को उसकी पसंद की पुस्तक नहीं मिलने पर सेधमारी से पुस्तकें चोरी की जाती है, तो यह सेधमारी एक तरह से पुस्तक चोरी की जाती है, पुस्तकें चोरी की जाती साबित होती है। क्यों? इनका एक ही कहना होता है कि हमने आपसे पुस्तक मांगी थी, आपने हमें वो उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए हमने चोरी की। तो यहां पे डॉक्टर रंगनाथन महोदय बताते हैं कि मुक्त द्वार प्रणाली बंद द्वार प्रणाली की तुलना में कम चोरी होती है। रंगनाथन महोदय प्रत्येक कथन को अपने एक्सपेरिमेंट करके मद्रास विश्वविद्यालय में, जहां वो अपने पुस्तकालय में सेवारत थे, तो वहां पे वो हर कथन को
वास्तविक जीवन में जैसे उन्होंने दिया था पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय में कर्मचारी का फॉर्मूला, स्टाफ फॉर्मूला, तो उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी को स्टॉप वॉच से एक एक को देखा और ऑब्जर्व किया था कि पुस्तकालय में प्रत्येक कर्मचारी को कितना समय लग रहा है। उसी तरह से मुक्त द्वार प्रणाली में भी उन्होंने इसी तरह से कहा कि अगर 10,000 किताबें, उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने कि 10,000 किताबों के आदान प्रदान में, 10,000 किताबों के आदान प्रदान में पुस्तकों की चोरी बहुत ही नगण्य हुई, मात्र 17 पुस्तकों की चोरी हुई। दस हजार पुस्तकों की आदान प्रदान में मात्र 17 पुस्तकों की चोरी उन्होंने नगण्य माना है, क्योंकि हम अगर जीपीआर की बात करें तो 2003 हमें 3 पुस्तकों की छूट देता है और जीपीआर 2005 हमें 5 पुस्तकों की चोरी होने पर और 1962 का 2 पुस्तकें। तो 10,000 पुस्तकें चोरी हो, आदान प्रदान में मात्र 17 पुस्तकें हम मानते हैं कि नगण्य हैं। और रंगनाथन महोदय कहते हैं कि विशाल विशाल लाभ, विशाल पाठकों के लाभ की तुलना में यह 17 पुस्तकें मात्र जो हानि हुई है वह एकमात्र नगण्य है, जिसकी तुलना उन्होंने मुक्त द्वार प्रणाली को एक्सेप्ट किया। इसके बाद में दूसरा वो उन्होंने कहा, उनका तर्क था डॉक्टर रंगनाथन महोदय का कि भारत में, भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु का हिस्सा है, भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में पुस्तकालयों के अंदर जो किताबों के कागज की क्षति हो रही है, भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों के कागज की जो क्षति हो रही है वो मुक्त द्वार प्रणाली सिस्टम की तुलना में बहुत ही अधिक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इस मुक्त द्वार प्रणाली को बंद ना करके हम विदेशों में उपलब्ध आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए, पुस्तकालय में पुस्तकों को बचाने के लिए विदेशों में उपलब्ध आधुनिक तकनीकों की तरह हमें यहाँ पर भी आधुनिक तकनीक का पुस्तकालयों में उपयोग किया जाना चाहिए। तो यह बात हुई थी हमारी मुक्त द्वार प्रणाली की। तो इसमें हमने स्टेटमेंट जो आए हैं वह भी अक्सर पूछे जाते हैं कि यह किस उपाय से संबंधित है। दूसरा है लोकप्रिय विभागों की स्थापना, लोकप्रिय विभागों की स्थापना। लोकप्रिय विभाग में यहाँ पे समाचार कक्ष और दूसरा पत्रिका कक्ष। डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले जिसमें
उन्होंने बाद में इसे संशोधित किया था, पुस्तक के स्थान पर प्रलेख प्रलेख शब्द का यूज किया था, तो जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं भी शामिल थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पुस्तकालय जो अपाठक है, जिनमें पुस्तकालय तक पहुंचने में रुचि नहीं है, तो उनके लिए अलग से ऐसे कक्षों का निर्माण किया जाए जिसमें वो निरंतरता उनकी बन जाए और वो नियमित सदस्य बन जाए पुस्तकालय के। तो समाचार पत्र कक्ष और पत्रिका कक्ष, समाचार पत्र में जिन्हें खेल से संबंधित हो, जिन्हें जानकारी अपनी खेल से संबंधित हो, नेशनल से संबंधित हो या राज्य से संबंधित हो, स्थानीय संबंधित हो, तो उनके लिए एक समाचार कक्ष की स्थापना कर दी जाए कि उनको पसंद आए और वह पुस्तकालय तक उनका आगमन हो। और पत्रिका कक्ष में गृहिणियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित या अन्य तरह की पुस्तकें पत्रिकाएं उन्हें उपलब्ध हो, जहाँ पे जो अपाठक है वो भी रेगुलर पाठक बन सके। इसके बाद में बात आती है विस्तार सेवा की। विस्तार सेवा, क्योंकि हम जानते हैं कि पुस्तकें तो पाठक तक चल करके नहीं जा सकती, लेकिन पाठक को आकर्षित करके हम पुस्तक तक जरूर ला सकते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदु रहेंगे, प्रचार सेवा व प्रसार सेवा। प्रचार सेवा और प्रसार सेवा, पुस्तकालय की अक्सर पाठक को पुस्तकालय की वास्तविक जानकारी ही प्राप्त नहीं होती, जैसे इनके माध्यम से पुस्तकालय के बारे में हम पाठक को बताते हैं कि पुस्तकालय अवकाश के दिनों में भी खुले रहते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अवकाश के दिनों में भी खुले रहते हैं, तो पाठक आश्चर्यचकित रहता है कि क्या मुझे अवकाश के दिनों में भी पुस्तकें पढ़ने को मिल सकती है। और दूसरा हम बताते हैं उन्हें कि पुस्तकालय में संगीत की पुस्तकें भी उपलब्ध है। संगीत की पुस्तकें उपलब्ध है, तो जिन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं थी वे भी हमारे पुस्तकालय में रुचि देंगे। और जो हमारा उद्देश्य था तीसरे सूत्र का कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, तो जो संगीत की पुस्तकें हैं उनको भी पाठक मिलेंगे। और हम आगे बात करें कि प्रचार सेवा में क्या शामिल है, कैसे हम कर सकते हैं, तो चल ग्रंथालय के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से प्रसार का हम भागीदारी निभा सकते हैं। तथा इनमें क्या क्या शामिल होंगे, पुस्तकालय बुलेटिन, जिसमें नवीनतम कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वार्षिक पुस्तकालय में वार्षिक जो कार्यक्रम होते हैं उन सभी की जानकारी रहती है, तथा किस किस पब्लिकेशन की, किस किस प्रकार की पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में हैं उनके। दूसरा, पुस्तकों की प्रदर्शनी, पुस्तकों नवीनतम पुस्तकों की प्रदर्शनी लगा करके हम उन पाठकों को पुस्तक तक पहुंचा सकते हैं कि ये पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में नहीं है। तीसरी हम बात करें जनसंपर्क,
कि प्रत्येक व्यक्ति तक हम पुस्तकालय में हमारे उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से देकर के उन्हें पुस्तकालय के ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस तरह से विस्तार सेवा का हुआ। चौथा आता है हमारे सामने, जो रंगनाथन महोदय ने बिंदु दिया है, वह है अनुपयोगी। अनुपयोगी पुस्तकों को प्रदर्शित करना। अनुपयोगी पुस्तकों को छटाई करना और अनुपयोगी पुस्तकों को प्रदर्शित करना, ये दोनों शब्द अलग है। कैसे हैं? छटाई शब्द आपका आएगा पांचवें सूत्र में, जबकि प्रदर्शित शब्द जो है वह है आपका तृतीय सूत्र में। अनुपयोगी पुस्तकों का यूज कैसे होगा? तो हम पुस्तकालय में अलग से एक जो बहुत ही कम उपयोग में आ रही है उन पुस्तकों की एक रैक तैयार करेंगे और उसकी तरफ एक बोर्ड लगाएंगे और उसमें यह प्रदर्शित करेंगे, यह पुस्तकें, यह पुस्तकें आपके लिए उपयोगी हो सकती है।